हानारेच, एक नाम जो हिम्मत और विवाद दोनों को दर्शाता है। अपने अंतिम दिनों में एडोल्फ हिटलर के साथ उनकी मुलाकात एक ऐसी घटना थी जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। बर्लिन, जो अब तबाह हो चुका था, में हिटलर अपने फ्यूरर बंकर में छुपा हुआ था। यहां अंधेरे में हानारेच ने अपना एक आखिरी उड़ान भरा, एक आखिरी मुलाकात के लिए। ये मुलाकात एक तरह से उस दौर का प्रतीक थी जिसमें जर्मनी बर्बाद हो रहा था। हिटलर, जो कभी एक शक्तिशाली नेता था, अब हार के बोझ तले दबा हुआ था। हाना एक महान पायलट अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश में लगी हुई थी। ये मुलाकात उनकी वफादारी का सबूत थी, लेकिन ये भी दिखाती थी कि वो हिटलर के नजरिए से कितनी प्रभावित थी। ये घटना एक ऐसी कहानी है जो हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये हमें बताती है कि कैसे एक शक्तिशाली नेता अपने अंतिम दिनों में हार गया था। ये हमें बताती है कि कैसे एक महान पायलट अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। और ये हमें बताती है कि कैसे एक विवादित नेता अपने लोगों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो कितना भी गलत हो। हानारेच सिर्फ एक वफादार नाजी नहीं थी, वो एक महान पायलट भी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उड्डान के रिकॉर्ड तोड़े और अपने हुनर से दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने ग्लाइडर में उड्डान भरी, फाइटर प्लेन उड़ाए और हेलीकॉप्टर भी चलाए। हर उड्डान में वो अपनी हिम्मत और हुनर का सबूत देती थी। उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। वो पहली जर्मन महिला थी जिसने हेलीकॉप्टर उड़ाया। वो पहली महिला थी जिसने एल्प्स पर ग्लाइडर में उड्डान भरी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर उड्डान भर सकती हैं। हाना का सफर सिर्फ उड्डान भरने का नहीं था, वो एक सफर था जो उन्हें आसमान की रानी बनाता है। एक ऐसी रानी जो अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किल से गुजरना पड़े। जंग के बाद हानारेच ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। वो गाना चली गई और वहां एक नई जिंदगी शुरू की। वहां उन्होंने अपना समय ग्लाइडिंग स्कूल में बिताया और नई पीढ़ी को उड्डान भरने की ट्रेनिंग दी। वो अपने अतीत से भागना चाहती थी, वो नाजी दौर से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती थी। गाना में उन्होंने एक नई शुरुआत की और अपने हुनर से लोगों की मदद की। ये सफर उनके लिए कठिन था, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ी। अपने अतीत से सीखते हुए उन्होंने अपने भविष्य को बनाने का प्रयास किया। हानारेच का विरासत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो एक महान पायलट थी जिसने अपने हुनर से दुनिया को हैरान किया। दूसरी तरफ वो एक नाजी थी जिसने एक ऐसे नेता का समर्थन किया जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उनकी कहानी हमें इतिहास के उन कठिन सवालों का सामना करवाती है जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या हम एक ऐसे व्यक्ति की सराहना कर सकते हैं जो एक बुराई का समर्थन करता था, चाहे वो कितना भी हुनरमंद हो? क्या हम किसी के अतीत को भुला सकते हैं अगर वो अपने भविष्य में अच्छा काम करे? हानारेच का विरासत हमें ये सब सवाल पूछने पर मजबूर करता है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है और इतिहास के उन कठिन पहलुओं से रूबरू करवाती है जो आज भी हमारे साथ हैं।